वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो अभी वीडियो डाल रही हूँ बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, अ डे इन अ लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उस पर इतने ज्यादा कमेंट्स थे, सब मुझसे पूछे थे कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको करनी है वो इस फील्ड में कैसे जा सकता है, अगर किसी की इसी बैकग्राउंड है तो उसको एक अच्छी आईटी वाली जॉब मिल गई है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी तो बनती है, एंड हियर आई एम विद दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड मैं ना कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इस वीडियो में पूरी की पूरी कवर कर लूं, जो भी आपने मुझसे पूछा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद ऐड किए हैं ताकि और आपको क्लैरिटी मिल जाए चीजों में। स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स में पिंग कर सकते हो, मैं सबका इंडिविजुअली रिप्लाई जरूर कर दूंगी। एंड या दैट्स इट, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई तो प्लीज मेरे साथ बेयर अप कर लेना, क्योंकि मैं काफी कुछ इसमें कवर करने वाली हूँ और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहने वाली है ये। एंड या दैट्स इट, सो इफ यू सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम या आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, देन हाय, आई एम सानिया, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ऑल्सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। एंड प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको भी टैप कर देना, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। तो मैंने ना एक पेज पे सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो मैंने कवर करने हैं। फर्स्ट मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, 11 12th मैंने नॉन मेडिकल ही ऑप्ट की थी, विच आई डिड फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। एंड नाउ कमिंग टू द कॉलेज, सो द नेम ऑफ माय कॉलेज इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, विच इज एफिलेटेड विद आईपी यूनिवर्सिटी। तो इस कॉलेज में एंटर करने के लिए ना मैंने आईपी का एग्जाम दिया था, जो कि एक सेपरेट एग्जाम होता है, क्लियर हुआ था, सो आई गॉट दिस यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं। सो आई गॉट एडमिशन इन टू BBCOE, एंड जो डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है ना उनके डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सारी डिटेल्स में चीजें मिल जाएंगी। देन उसके बाद कमिंग टू अ वेरी पॉपुलर मिथ जो आपने जरूर सुना होगा, विच इज कि जो लोग ईसी के होते हैं उनको अच्छी टेक जॉब्स नहीं मिलती। यार मैं आपको पहले बता दूं, ऑनेस्टली बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो कि अभी डेटा साइंटिस्ट में है, वेब डेवलपमेंट में है, काफी अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं, और उनमें से कई लोग आपको सच बताऊं तो ईसी और ट्रिपल ई से भी पास आउट है, उन्होंने ये वाला कोर्स भी ऑप्ट किया हुआ है। बट जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा कोर्स था ना दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो अगर मैं ऑनेस्ट होके बोलूं तो इन चार साल में जो भी आपके ईसी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोडिंग बहुत कम आती है, प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा कम आती है, तो आपको बाहर से एक्सटर्नल कोर्सेज लेने ही पड़ेंगे इफ यू वॉन्ट टू हैव अ स्किल इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। ऑल्सो एडिंग इन टू इट, काफी ज्यादा सीएससी और आईटी के स्टूडेंट्स भी हैं जो बाहर से कोर्सेज लेते हैं, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आपको पूरा प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको किसी अच्छी जॉब लेनी है, किसी अच्छे हाई पैकेज पे जॉब लेनी है, तो उतनी स्टडी तो अच्छी नहीं होती है कॉलेज की, तो आपको खुद से बाहर से थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा अच्छा कोर्स देखना ही पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू हैव और इफ यू वॉन्ट टू लैंड इन टू अ गुड आईटी। गाइज मैं आपको डरा नहीं रही हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि नहीं है, हो जाता है, सबसे हो जाता है। और यार अगर मैं सच में बताऊँ ना तो आपकी जिंदगी के ये चार साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही चार साल है जिसमें आप सबसे ज्यादा मस्ती भी करते हो आफ्टर योर स्कूल लाइफ, क्योंकि इसमें बंक्स आप कर सकते हो अपने कॉलेजेस की लेक्चर्स की, जो कि मैंने भी किए हैं, मेरे दोस्तों ने भी किए हैं, हम सब ने बहुत ये सारे बंक्स किए हैं। फिर कैंटीन में चले जाना, खाना पीना, थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, काफी असाइनमेंट्स होते हैं जो खत्म करने होते हैं, तो ऑल ओवर कॉलेज लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बट इसमें हमें अपनी प्लेसमेंट्स नहीं भूलनी है, विच इज आर सोल मोटो एंड सोल मोटिव, इसके लिए हमने इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है ना। सो जो आपके कॉलेज की इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स होती है ना वो आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर से शुरू हो जाती है। थर्ड ईयर में आपको एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है, एंड फोर्थ ईयर के ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में आपका प्लेसमेंट वाला सीजन शुरू हो जाता है। लोग डरने लगते हैं, बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम इंटर्नशिप में आए तो ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं जिनके कॉलेज में आती हैं कंपनीज प्रॉपर इंटर्नशिप देने के लिए। हमारे कॉलेज में इतनी कंपनीज तो नहीं आई थी, तो मैंने तो अपने कॉलेज से ही इंटर्नशिप की थी, सर्टिफिकेट ही था, एक टाइप का सर्टिफिकेशन किया था मैंने इन डेवॉप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, तो प्रॉपर पूरा सिनेरियो था, एक दो हफ्ते की प्रॉपर ट्रेनिंग थी, प्रॉपर इंटर्नशिप थी, फिर उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट से भी खुद से करना था। अब इसकी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, एक ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। तो इंटर्नशिप एक मैंडेटरी है अपने कॉलेज लाइफ में करनी, एंड देन उसके बाद आ जाते हैं प्लेसमेंट्स में, विच स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ ईयर से शुरू हो जाता है, आपके सेवन सेमेस्टर में ही शुरू हो जाती है कंपनीज आनी आपके कॉलेज में।
सो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज में आएंगी, क्या पैकेज लेके आएंगी। जिनका टायर वन, टायर टू, टायर थ्री ऐसे से कॉलेज है, तो उनकी कंपनीज भी वैरी करती हैं। तो जो हमारा कॉलेज था उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आई थी, बहुत सारे बच्चे तो प्लेस ऑलमोस्ट हो ही गए थे। तो जो इसका मिनिमम पैकेज रहता है ना, वो 3 LPA से तो शुरू होगा, एंड इट कैन यू नो वैरी फ्रॉम 18 to 20 LPA आराम से था। काफ़ी बच्चों का हुआ भी हमारे कॉलेज में, काफ़ी बच्चों की अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स भी लगी थी। एंड उसके बाद ऐसा होता है कि कई बच्चों की ना फ्रेशर्स में ही 40 LPA का पैकेज भी लगता है। यस गाइस, मैं किडिंग नहीं कर रही हूँ, कोई ऑनेस्ट रिव्यू है ये मेरा। कईयों के 50 LPA का पैकेज भी लगता है, बट देन क्या होता है ना कि वो, सिंस मैंने बोला वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, काफ़ी बच्चे आउटसाइड ही ये अपॉर्चुनिटी ग्रैप करते हैं। लाइक जो मेरा सीन था, मैंने एक्चुअली मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो कॉलेज से ही हुई थी, कंपनी थी कॉग्निजेंट, देन उसके बाद उसमें मैंने थोड़ी देर इंटर्नशिप करी, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि दूसरी कोई कंपनी देखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना हायरिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी और ऑफ कैंपस भी काफ़ी चल रहा था। देन उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस कंपनी के लिए अप्लाई किया, एंड हेयर आई एम इन दिस कंपनी। कंपनी का नेम तो रिवील नहीं कर सकते हैं जिसमें मैं अभी हूँ, क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं, बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो आई एम लविंग माई कंपनी राइट। सो अब हम आ जाते हैं कि हाउ यू विल गेट इन टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब। तो जब आपके कॉलेज में कंपनीज आती है ना, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो, तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि किन कोर्सेज के बच्चे उन जॉब में बैठ सकते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ CS IT होता है, कुछ कंपनी के प्रोफाइल्स में सिर्फ CSE IT और EC होता है। तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि EEE सिविल के लिए कोई जॉब्स नहीं आती, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडीज यू नो, जो जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो EC या इलेक्ट्रिकल हो, उसके बेसिस पे भी काफी कंपनीज आती हैं। लेकिन आपको IT वाली कंपनीज में भी बैठने को मिलेगा। तो सीन कुछ ऐसा रहता है कि अगर आपने अपने दिमाग में पूरा बिठा रखा है ना कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जॉब ही लेनी है जिसमें कोडिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, तो आपको अपने आप को पहले से ही ट्रेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3rd ईयर से तो आप अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो सारी कंपनी पूछती हैं, जो सबके पहले फर्स्ट राउंड में आता है, विच इज़ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पे आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको फिर से ये बोलूँगी कि आप 3rd ईयर से ही शुरुआत करो, नहीं होता तो थोड़ा लेट कर लो, मतलब ऐसा कर लो 5th-6th सेमेस्टर के बीच में रख लो, क्योंकि लास्ट में जब होगा ना तो एकदम से होगा नहीं सब कुछ। और वैसे भी अब तो कोविड का ज़माना गया, अब सब कुछ ऑफलाइन है, तो प्रॉपर अच्छे से चेकिंग भी होती है, कोई चीटिंग कोई कुछ आपके कोई काम नहीं आने वाली। तो प्लीज़ फोकस करना अपने एप्टीट्यूड में, डेली अराउंड 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना सारी जगह से उठा के, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो क्लॉक्स वाले कुछ भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो नॉर्मल आपके कोई टाइमर लगा के सेट कर लेना कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और इसको रोकना नहीं है, इसको थोरली प्रैक्टिस करते रहना है। सेकेंड थिंग जो, अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हो, सेकेंड थिंग जो आती है वो आती है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। ऑल्सो टू एड ऑन, फर्स्ट राउंड में ना आपका एप्टीट्यूड भी होता है और कोडिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं सॉल्व करने के लिए इन योर प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें भी आपने स्किल यू नो मेंटेन करी हुई है अपनी, चाहे वो C++ हो, पैथन हो, जावा हो। तो फर्स्ट राउंड में तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो कवर्ड होता है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट एंड सेकेंड राउंड सॉरी, तो इस राउंड में आपका बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू होता है। इसमें सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ना एक स्किल डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में तो यार सारे लोग मौज मस्ती में निकाल देते हैं, ठीक है निकालना भी चाहिए, कॉलेज लाइफ है उसको भी तो इन्जॉय करना है ना। बट जब आप सेकेंड ईयर में आते हो ना, तो थोड़ा सा फोकस हो जाओ, एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पकड़नी है, कोई भी जिसमें भी आप यू नो इंटरेस्टेड हो, कोई भी आप लैंग्वेज पकड़ सकते हो, और उस पर धीरे धीरे काम करना, डेली उसके थोड़े बेसिक क्वेश्चन ही क्यों ना हो उनको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो ये जो चीज़ प्रोग्रामिंग वाली है, ये आपको आपके हर टेक्निकल इंटरव्यू में पूछी जाएगी कि हाँ भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तुम्हें। सेकेंडली, लैंग्वेज तो और प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, बट आजकल बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं एंड कंपनीज की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी इनसे रिलेटेड, तो कुछ वो भी टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। काफ़ी टेक्नोलॉजीज़, अगर मैं आपको नाम लिस्ट करूँ तो वो वेब डेवलपमेंट है, वो डेटा साइंटिस्ट वाली फील्ड है, डेटा एनालिसिस है, एंड देन उसके बाद डेवऑप्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, AI है, और जो ML है वो तो उसके अंडर ही आ जाते हैं डेटा एनालिस्ट के अंदर, अगर आपको कोई यू नो डेटा साइंटिस्ट वाली प्रोफाइल चाहिए। तो आपके सेकेंड राउंड में आपसे पूछेंगे कि हाँ भैया, पहला पॉइंट ये कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है नहीं, सेकेंड आप कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड हो,
एंड ये दो पॉइंट्स अगर इम्पोर्टेंट है तो इसके साथ एक थर्ड पॉइंट भी ऐड करना है, विच इज एनहांस योर रेज्यूमे. आपके रेज्यूमे में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और कुछ ऐसा होने चाहिए जो आपने खुद किया, यानी कि कहीं से प्रोजेक्ट पकड़ लिया, खुद उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बट सिर्फ अपने रेज्यूमे और सीवी में डाल दिया ताकि वो अच्छा लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. जो प्रोजेक्ट्स आपने अपने खुद अपने हाथ से किए हैं उसकी आपको नॉलेज भी अच्छी होगी, तो वही प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में एंटर करना. ऐसा होना कि अगर आपको सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट आते हैं लेकिन वो आपने खुद कर रखे हैं, खुद आपको पता है कि इसमें क्या है, तो बहुत सही रहेगा, कहीं से कॉपी प्लीज मत करना. तो अपने रेज्यूमे को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कंपनीज आपके सबसे पहले तो आपके रेज्यूमे पे ही शॉर्टलिस्ट कर लेते कि हाँ इस बंदे का रेज्यूमे कैसे है, इसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें है या नहीं इसके रेज्यूमे में, और आपके रेज्यूमे के बनाने के तरीके में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है कंपनीज आपको अगर हायर करेंगे या नहीं. काफी साइट्स आती हैं जहाँ पे आप अपने रेज्यूमे अच्छे से बना सकते हो, सो आप चेक कर लेना एक बारी वो गूगल पे. ऑल्सो मेक श्योर कि जो आपका रेज्यूमे हो ना वो ATP ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि जब आप कंपनी की वेबसाइट पे अपने रेज्यूमे अपलोड करते हो ना तो वो एक बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, इससे कंपनी वालों को भी काफी ईजी रहता है एक अच्छे रेज्यूमे को. ओके, सो अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं. काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर आपने एक टेक फील्ड में एंटर कर लिया या अगर आपकी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जॉब हो गई तो आपको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, आपको सिर्फ काम काम करना है. अगेन आई वुड से कि ये ना सिर्फ कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कई कंपनीज का ऐसा होता है कि वो आपको अच्छा पे करती हैं बट उनका वर्क लाइफ बैलेंस्ड होता है वो इतना अच्छा नहीं होता. कई कंपनीज आपको बहुत ज्यादा पे करती हैं और उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा होता है, और कई जगह परफेक्ट बैलेंस रहता है. सो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. ओके, सो अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर. इट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी टीयर वन सिटी में है या नहीं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी गुड़गांव में है, नोएडा में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, तो आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेटर हो जाते हैं बट उसमें एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो जाता है, विच इंक्लूड्स योर ट्रैवल या विच इंक्लूड्स योर फूड, विच इंक्लूड्स योर स्टे. बट अगेन अगर काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको फूड भी खुद प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट भी उनका खुद का रहता है, फॉर एग्जांपल कैब फैसिलिटीज़, तो उस हिसाब से भी आपके काफ़ी ज़्यादा ना पैसे सेव भी हो सकते हैं. एंड या गाइज, आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में. स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो गया है या आपने कुछ और पूछना है या कुछ और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो. मैं पॉसिबल कोशिश करूंगी कि सारे के सारे कॉमेंट्स का ना रिवर्ट बैक कर दूँ. अगर स्टिल थोड़ा डिले हो जाता है तो आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हो. मैं इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूं. ऑल्सो मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज नया शुरू किया है वेयर आई जनरली पोस्ट रिलेटेबल स्टफ, थोड़े ऑफिस रिलेटेड मीम्स रहते हैं, फनी वीडियोस, फनी रील्स भी रहते हैं. सो प्लीज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक शेयर कर दूंगी. ऑल्सो आपको स्क्रीन पे भी मेरा इंस्टा हैंडल दिख रहा होगा. एंड या दैट्स इट गाइज, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.